वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और हमारा आज का टॉपिक है कोरोना इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, जैसे इसका नाम है कोरोना इफेक्ट, कोरोना प्रभाव, ये स्पेशली फॉर ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले इफेक्ट ही है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे स्किन इफेक्ट हो गया, कोरोना इफेक्ट हो गया, फेरांटी इफेक्ट हो गया, प्रॉक्सिमेटी इफेक्ट हो गया, ये बहुत सारे इफेक्ट जो हैं ट्रांसमिशन लाइन में मतलब एचवीएसी लाइन में आपको देखने मिलेंगे। इन एचवीएसी लाइंस में जो इफेक्ट होते हैं, इन इफेक्ट के कारण ही ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज की जो रेटिंग है या ट्रांसमिशन में होने वाले जो लॉसेस हैं इन्हीं पर डिपेंड करता है। यदि ये लॉसेस कम हो जाए तो ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी और ट्रांसमिशन लाइन में मतलब कि एचवीएसी में होने वाले जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखेंगे, ये स्किन जो इफेक्ट हो रहा है ये ट्रांसमिशन लाइन में होना तय है। इसे कुछ परसेंट रिड्यूस किया जा सकता है लेकिन इसे पूरा रिड्यूस नहीं किया जा सकता। आइए चलिए देखेंगे हम ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले इफेक्ट में से एक है कोरोना इफेक्ट। ये कोरोना इफेक्ट होता क्या है, देखिए हमारे पास ये दो डायग्राम रखे हुए हैं, इसमें ए और बी दो कंडक्टर रखे हुए हैं, कंडक्टर ए और बी, ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। यहां दो कंडक्टर आपके बीच में रखा हुआ है। देखिए किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा आर वाई और बी के तीन फेस के तीन कंडक्टर यूज किए जाते हैं। अब ये तीन कंडक्टर को इस तरीके से रखा जाता है कि इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वलेंट हो, मतलब समान। अब यहां पर ये दो किसी दो कंडक्टर के बीच में ये कोरोना इफेक्ट होता है। अब यहां पर दो कंडक्टर है, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। आपको पता है कि एसी जो है वो कंडक्टर के सरफेस में ही ट्रेवल करती है, क्लियर है। यदि हम एसी की बात करें तो एसी हमेशा कंडक्टर के सरफेस में ट्रेवल करती है, तो कहीं ना कहीं इसके आपको ड्रॉबैक देखने मिलेंगे। चलिए कोरोना इफेक्ट में क्या होता है कि कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, ये दो कंडक्टर रखी हुई है, तो जब किसी दो कंडक्टर को आपस में इस तरीके से पैरेलल रखा जाता है या आमने सामने रखा जाता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस कंडक्टर के डायमीटर से कम हो, वर्ड को समझिए, यदि किसी दो कंडक्टर को पैरेलल में रखा जाए और उन कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस उस कंडक्टर के डायमीटर के डिस्टेंस से, मतलब उस कंडक्टर का जो डायमीटर है उससे कम हो, तो ये जो डिस्टेंस है इस कंडक्टर के डायमीटर से कम हो। देखिए मानकर चलिए ये कंडक्टर का डायमीटर 2 mm² है, ठीक है, और यहां पर इन दो कंडक्टर बीच के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस 1 mm² है मानकर चलिए। वैसे डायमीटर जो होता है mm² में होता है। कहने का मतलब ये है यहां पर ये 2 है दोनों के बीच का डायमीटर और डिस्टेंस में देखेंगे दो कंडक्टर के बीच का तो 1 है। अब क्या हुआ कि किसी दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस उस डायमीटर से कम हो, तब इस सिचुएशन में ये कंडक्टर के बाहर जो एरिया में कंडक्टर के सरफेस में जो एसी करंट ट्रेवल कर रही है, इस एसी करंट की जो है आउटर जो एयर है ये इसका आयनाइजेशन हो जाता है। अब इस कंडक्टर का आयनाइजेशन हो गया मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये जो एयर है पार्टिकुलर, जो एयर के पार्टिकुलर है उसमें पर्टिकुलर एयर जो है वो आयनाइजेशन का होना, मतलब कि ये बाहर की जो एयर है वो आउटर एयर का आयनीकृत या आयनाइजेशन हो गया, ये आयनीकृत हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है ये चार्ज अब आसपास की एयर में सर्कुलेट होने लगी। अब क्या होगा, इस एयर के आयनाइजेशन के कारण इसमें एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा जिसे फेंट ग्लो कहा जाता है, तो फेंट वायलेट ग्लो का कलर जो है ये इमिट होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं हल्के बैंगनी रंग का प्रकाश। तो जब भी ऐसे दो कंडक्टर देखने मिलेंगे और उनका डिस्टेंस यदि कम हो डायमीटर से, तो क्या हो जाएगा, आसपास की एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा और आयनाइजेशन होने के साथ में इसमें एक प्रकाश उत्पन्न होगा जिसे कहते हैं बैंगनी, हल्के बैंगनी रंग का प्रकाश, और ये जो हल्के बैंगनी रंग का जो प्रकाश है इसे ही कोरोना इफेक्ट कहते हैं। और कोरोना इफेक्ट के कारण
ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी है, लाइन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। अब कम इसलिए हो रही है क्योंकि इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, लाइन में लॉसेस होंगे। इस इफेक्ट के कारण लाइन में लॉसेस उत्पन्न हो जाएंगे। जब लॉसेस होगा तो इसकी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और लॉसेस के कारण वोल्टेज कुछ अमाउंट में भी ड्रॉप होगा। अब इसमें कोरोना के समय में जो घटित होने वाली जो परिघटनाएं या घटनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं, एक घटना तो देखने मिली आपको, बैंगनी रंग का प्रकाश। तो हल्के बैंगनी रंग का जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ये कोरोना इफेक्ट के कारण हो रहा है, तो ये भी एक घटना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप टावर के नीचे यदि खड़े रहेंगे तो हिसिंग नॉइस आती है, सी 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 करके आवाज आती है, वो भी किसके कारण है बेटा, यही कोरोना इफेक्ट के कारण है। हिसिंग नॉइस जो साउंड आपको सुनाई देती है, यदि आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े रहेंगे तो आपको हिसिंग नॉइस देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा आपको, ठीक है। और हल्के रंग का बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वो आपको देखने मिलेगा, एक तो हिसिंग नॉइस और दूसरा फेंट वायलेट ग्लो कलर का प्रकाश आपको देखने मिलेगा। उसके साथ में तीसरा जो पॉइंट है ये पावर लॉस। देखो ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस होना तय है, यदि HVAC लाइन है तो उसमें पावर लॉस होगा ही, इसलिए होगा क्योंकि AC में लॉसेस होते हैं, DC में लॉसेस नहीं होते। तो कोरोना जो इफेक्ट है ये स्पेशली फॉर AC एंड DC दोनों में होता है, याद रखेंगे कोरोना इफेक्ट AC और DC दोनों में होता है, लेकिन AC में अमाउंट ज़्यादा होगा कोरोना इफेक्ट का और DC में बहुत कम होगा, मतलब नेग्लिजिबल मानेंगे हम, DC में नेग्लिजिबल मानेंगे, लेकिन AC में बल्क पावर में होता है, क्योंकि आपको पता है हिसिंग नॉइस ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़े रहेंगे तो सुनाई देगा ही आपको। फेंट वायलेट ब्लू कलर का मतलब बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वो भी आपको देखने मिलेगा, फिर उसमें पावर लॉस हो गई, उसमें ओजोन गैस रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, आउटर एयर में जो आउटर सरफेस में कंडक्टर के आउटर सरफेस में जो एयर है, इस एयर का क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया, तो आयनाइजेशन के कारण ओजोन गैस रिलीज होती है, इसी आयनीकरण के कारण, आयनाइजेशन के कारण ओजोन गैस रिलीज होती है, ओजोन गैस उत्पन्न होती है या रिलीज होती है कंडक्टर के आगे। अब इसमें एक और चीज है, इस कंडक्टर के एक कंडक्टर की एक फ्रीक्वेंसी भी होगी पर्टिकुलर, तो इसके कारण रेडियो इंटरफेरेंस भी होता है। रेडियो इंटरफेरेंस मतलब एक प्रकार की बाधा है कम्युनिकेशन सिस्टम में, रेडियो इंटरफेरेंस जो है मतलब कि एक प्रकार की जो है बाधा, सूचना तंत्र में बाधा उत्पन्न भी करता है, क्योंकि आपको मालूम है यदि मैं बताना चाहूँ तो इसमें बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने मिलेगा, हॉट लाइन से बात करते हैं, एक सब स्टेशन, इट मीन्स ये कोई एक सब स्टेशन है, सब स्टेशन ए और ये सब स्टेशन बी है, मानकर चलिए ये सब स्टेशन ए सिवनी में है और ये सब स्टेशन बी बालाघाट में है, तो ये दोनों आपस में टेलीफोन के माध्यम से बात करते हैं, तो ये यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो हॉट लाइन होता है, इसमें वेव ट्रैप्स को लगाए जाते हैं, ठीक है, वेव ट्रैप लगे होते हैं, वेव ट्रैप के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इस ट्रांसमिशन टावर के ट्रेवल मतलब कि आप जो ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं उसी के माध्यम से आप बात कर सकते हैं विदाउट एनी अदर कनेक्शन, कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर सिवनी का जो सब स्टेशन है और बालाघाट के सब स्टेशन है, ये दोनों फोन मोबाइल से बात नहीं करते, ये लोग हॉटलाइन से बात करते हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम इस टाइप से है। तो रेडियो इंटरफेरेंस जो है मतलब सूचना तंत्र में सूचना, आपने देखा होगा रेडियो इंटरफेरेंस यहाँ पर भी होता है इस कोरोना इफेक्ट के कारण भी, हिसिंग नॉइज भी होता है, फेंट वायलेट ग्लो भी होता है, पावर लॉस भी होगा, ओजोन गैस रिलीज भी होगी, रेडियो इंटरफेरेंस भी होगा, ये सारी चीज़ें कोरोना के इफेक्ट के कारण होता है। और ये जो कोरोना है ये कोरोना आपको कंडक्टर के मेन आसपास आउटर सरफेस में जो बैगनी रंग का प्रकाश दिखाई देता है वही कोरोना इफेक्ट है, उसके कारण कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है,
और उसी के कारण यहाँ पर कंडक्टर में फेंट वाले ग्लो कलर का प्रकाश आपको देखने मिलेगा, और यही प्रकाश हमें ये इंडिकेट करता है कि इस कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट हो रहा है। इट मीन्स यदि इसके डेफिनेशन को देखा जाए तो यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के मध्य की दूरी कंडक्टर के व्यास मतलब उसके डायमीटर की तुलना में कम हो जाए, कंडक्टर के व्यास की तुलना में कम हो जाए, तो वोल्टेज की एक निश्चित वैल्यू होती है जिसे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कहते हैं। ये क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज एक प्रकार का ऐसा वोल्टेज है कि इसमें वोल्टेज का एक निश्चित लेवल सेट कर दिया जाता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंडक्टर के चारों तरफ की एक जो एयर है उसका क्या हो जाता है बेटा, आयोनाइजेशन होता है, आयनीकृत हो जाता है। ये कंडक्टर की जो एयर है मतलब इस कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो होना चाहिए इसकी जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जो है उससे यदि ये ज़्यादा हो जाए तो इसका काम क्या होता है कि कंडक्टर के चारों ओर की जो एयर है उसको ये क्या कर देता है, आयनीकृत कर देता है। आयनीकृत का मतलब कि इसमें आसपास की जो एयर है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब उसके आसपास भी आप जाएंगे टेस्टर लेके तो वो टेस्टर फुल जलना चालू हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, हम कहते हैं ना कि कोई कंडक्टर उसके पास में जाते हैं वो हमें खींच लेता है, तो वो खींच कैसे लेता है, तो उसके आसपास की जो एयर है उसका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन, मतलब वो आयनीकृत हो गया। अब आयन मतलब समझते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट हो गया है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। यदि आपकी ह्यूमन बॉडी उसके उस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के आसपास में भी जाती है तो वो आपको अपनी ओर खींच लेगी। इसीलिए तो देखा, आप देखे ना बड़े बड़े ट्रांसमिशन जो टावर्स होते हैं उसमें यदि बारिश के समय में एक बूंद भी उस कंडक्टर के ऊपर का यदि गिर जाए आपके छत के छत्ते के ऊपर या आपके ऊपर तो आपको हल्का सा झटका महसूस होता है। तो उस आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, वही आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। यही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो सीधे आपके ऊपर उस पानी की बूंदों के साथ में आता है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, यदि किसी टावर के नीचे आप खड़े हैं और उस टावर के नीचे आप टेस्टर लेकर रात में खड़े हैं तो आपका जो टेस्टर है वो फुल लाइट ग्लो करता है, मतलब टेस्टर जलने लगता है। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस कंडक्टर के आसपास की जो एयर है वो क्या हो गई है, आयनाइजेशन हो गया, उसका आयनीकृत हो गया और वो चार्ज हो गई है। अब उस आसपास की एयर में यदि हम इंटर करते हैं तो इंटर करेंगे तो एक चीज़ क्या है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के आसपास यदि हम आते हैं तो कंडक्टर में जो या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज क्रिएट हुई है उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो टेस्टर ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। ऐसा होता है, आप जब सब स्टेशन में यदि कहीं ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप से होता है, ये सारी जो घटना है ये कोरोना इफेक्ट कहलाती है। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लीजिए हिंदी।